हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध हो गई है और आपको ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा पहला चैप्टर है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण क्या होता है, किस तरह होता है, है? हम उसको आपको उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। तो हम पौधों में तो पोषण होगा, लेकिन पोषण है क्या, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहना चाहिए कि जंतुओं एवं पौधों के भोजन लेने की प्रक्रिया, क्या लिखा हुआ है, जंतुओं एवं पौधों के भोजन लेने की प्रक्रिया, चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, भोजन लेने की प्रक्रिया जो उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। खाना खा लेंगे तो हमको कार्य करने के लिए क्या होगा, हुआ खाना ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी हमें चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा चाहिए, हम तो ग्रहण कर लिए हैं। भोजन लेने की प्रक्रिया जो उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और वृद्धि में सहायता करती है, यानी उसकी वृद्धि भी करती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे पोषण की क्रियाता क्या होती है, कि चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, अगर उसे भोजन लेने की जो प्रक्रिया होगी तो वो क्या होना चाहिए, भोजन लेते क्यों है, कार्य करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पोषण कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है स्वपोषी पोषण और दूसरे का नाम है परपोषी पोषण। पहले वाले का जो नाम है सरपोषी स्वपोषी पोषण, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है परपोषी, जिसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो अभी हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं, कौन सा, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, यह मतलब स्वपोषी का मतलब यह होगा जो स्वपोषी स्व से ही अर्थ निकल रहा है, वह भोजन मतलब वह पौधा जो अपने आप अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो आप अपने मन में समझ गए होंगे कि कैसा हो सकता है स्वपोषी, दीवार को कोई खाना बनाएगा नहीं, एनिमल वाले तो कोई खाना बनाएगा नहीं उन्हें, यार हमारा एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि पौधा जो होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो इसके अंदर हरे पौधे आ जाएंगे, स्वपोषी के अंदर कौन आएगा, हरे पौधे के अंदर जानकारी हो जाएगी कि हरे पौधे हमसे कुछ नहीं लेते हैं, अपना भोजन को स्वयं बना लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या निकल के आ गई कि जब एक जीवित जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो इस प्रकार के पोषण को क्या बोलेंगे हम, स्वपोषी पोषण, यानी एक जीवित जीव होगा और अपना भोजन क्या बनाएगा, वह स्वयं बनाएगा, इस प्रकार के पोषण को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये इनके और प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बात हम कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा या तो समझ लीजिएगा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे क्या होगा, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पैनहरिम क्लोरोफिल आदि प्रकार का उसमें क्या होता है, समावेश होता है। तो डिग्निशन क्या बता दिया कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, निष्कर्ष निकल के वही आएगा कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपना भोजन बनाएंगे तो स्वयं तो किसकी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना पड़ता है, पानी भी लेना पड़ता है, सूर्य का प्रकाश भी लेना पड़ेगा, कण हरित भी लेना पड़ेगा, यानी कहना चाहिए कि अन्य 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 प्रकार की कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में हरे पौधों में चार चीजों की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है पहला पैनहरिम, यानी क्या बोलेंगे इसको हम, पैनहरिम क्या बोलते हैं, पैनहरिम
हरिम, बड़ा हरिम क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की बात हो रही है। क्लोरोफिल क्या होता है, तो आप यह देखोगे आप अपने घर में जाकर कि एक हरी पत्ती, कौन सी हरी पत्ती तोड़ के देखेगा, और उस पत्ती में क्या होगा, ये आपको मैं लीफ बना दिया हूँ, ये जाकर आप घर में जाएंगे और देखेंगे ये आपकी लीफ है, क्या है ये लीफ यानी कि पत्ती। तो इस पत्ती में आपको यह दिखेगा छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे तिरछे तिरछे क्या दिखेंगे, पिगमेंट दिखते हैं, लाइन दिखती होगी आपको, जाकर आप अच्छे से कोशिश करेंगे तो देखिए पत्ती को ऐसे ऐसे छोटी छोटी रेशा निकली होगी, वहीं पे तो पिगमेंट पाया जाता है और उसी का नाम क्या है, क्लोरोफिल। अच्छा तो ये बात यहाँ पे और क्वेश्चन उठता है, पत्ती हरी क्यों होती है, सफेद क्यों नहीं हो जाती, यानी सूखी क्यों नहीं जाती है, क्यों हरी बनी जाती है, दूसरी टाइप की क्यों मिल जाती है, तो उसमें एक कारण है फोटोसिंथेसिस में, ये तो एक प्रक्रिया हो गई, पर्णहरिण क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। उसमें कहा गया है कि यह पत्तियों में हरे रंजक के रूप में उपस्थित होता है, पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिण की पत्तियों के कारण होता है, यानी पत्तियों का जो हरा रंग होता है पर्णहरिण की पत्तियों की, यानी पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित की उपस्थिति, पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है आपका, दूसरे पॉइंट में क्या बात करेंगे हम, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है बच्चों, सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है, हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है, क्या मिलता है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है। आप देखिए किसी बच्चे को देखा जाए, अचानक छोटे बच्चे को जब सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं मिल पाती हैं तो वह बच्चा बीमार होता है। विटामिन डी, मनुष्य के लिए विटामिन डी क्या होगा, अनिवार्य होगा, और अनिवार्य कहाँ से होगा, इसी कारण से कहा जाता है कि बच्चों धूप में थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश को आप लीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि विटामिन डी जब तक नहीं होगा तो निश्चित रूप से बहुत छोटे छोटे रोग हो जाते हैं, आपको पता होगा सूखा रोग कई बच्चों को हो जाता है, है ना, गहरा आयरन नामक रोग हो जाता है, तो आयरन कमी से होता है। विटामिन डी जो होती है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जब सूर्य के प्रकाश जब नहीं लेंगे तो अचानक क्या होता है, तबीयत खराब होती है। आप अच्छे, अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल देता हूँ, आपके गांव में कोई कहना चाहिए कि बड़े घर में किसी को आप जानते होंगे, और उनमें से क्या है कि वो बाहर नहीं निकलते, घर के बाहर जब नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, बीमारी हर तरह की घेरती है, तो 100% क्या हो जाती है उनमें, उनको बीमारी हो जाती है। जब घर से बाहर नहीं निकले तो ना तो उनको सूर्य का प्रकाश मिला, ना तो जिन भिन्न भिन्न प्रकार की जो डिफरेंट टाइप की आपकी विटामिन होती है वो नहीं मिला, तो घर के अंदर चार पानी हमेशा बैठे रह गए, खाना पानी मतलब अगर पानी की व्यवस्था हुई तो पानी ला गए, माता जी पापा जी व्यवस्था कर दिए, हर तरह की जब व्यवस्था उनकी हो गई तो वहाँ पे यहाँ वहाँ तक चल नहीं सके, जब चल नहीं सके तो जितने भी बॉन्स होती हैं सब क्या हो गए, शिथिल पड़ गई और काम करना ही बंद कर देती हैं, तो अचानक कहते हैं कि तबीयत खराब हो गई। तबीयत क्यों ना खराब हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी जो स्ट्रांग है उसको काम करने के लिए ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जब उसको उपयोग नहीं करेंगे क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमें क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी चाहिए, और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया, दूसरा पॉइंट आपको सूर्य का प्रकाश बताया, सूर्य का प्रकाश। तीसरा पॉइंट होता है आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं CO2, क्या बोलते हैं CO2। तो इसमें यह कहा गया है कि यह रंधों के माध्यम से वातावरण से प्राप्त होता है, रंधों के माध्यम यानी स्टोमेटा के माध्यम से वातावरण से प्राप्त होता है, और छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध कहा जाता है। चौथा पॉइंट होता है आपका वाटर, क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल, जल, क्या बोलेंगे जल, इसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, सूर्य का प्रकाश सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया मैंने, और इसमें एक और ना आपका हो गया वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये
ये चार पॉइंट हो गए। वाटर मॉलिक्यूल है क्या, तो आपको क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहां पे हो रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल 100% आवश्यकता है, यदि जरूरत भी पड़ती है। और कहना चाहिए कि वाटर जो होता है, आप पता होगा कि माना कि ये वृक्ष है, तो वृक्ष को जब तक हमको वहां पे पोषण नहीं देंगे, वाटर मॉलिक्यूल नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, थोड़ा फोटोसिंथेसिस तो हो गया, जल का C6H2 प्लस 6H2O। अभी इतनी बात नहीं हो रही है, अभी हमारा कौन सा बात हो रहा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में आपका क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये तीन पॉइंट हो गए, ये चौथा पॉइंट हो गया। अभी आप परपोषी की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी आप हम पहला पॉइंट बात कर रहे हैं, 6CO2 प्लस 6H2O और यहाँ पे ही सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति हो गई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो गई। तो अब देखिए, मैंने अभी बात किया था जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्रिएशन होगी, क्रिया होगी। जब क्रिया होगी, आपको पता है जब आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिल जाती है, आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो कहां एनर्जी आई, वो वही ग्लूकोज है। तो उसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस। अब और क्या बचा इसमें, देखो बच्चों, तो आपको बचा यहाँ पे 6O2 बचा, क्यों, क्योंकि आप देखिए कार्बन का इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, वाटर, इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज, इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन, क्या नाम होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल खत्म, यानी वाटर के साथ खत्म हो गए। अब दूसरा पॉइंट होता है परपोषी पोषण। पर शब्द से यहां निकल रहा है कि जंतुओं और गैर हरे पौधे, जंतु और गैर हरे पौधे का मतलब क्या हुआ, जैसे उसमें हरे पौधे की उपस्थिति नहीं होगी। इसकी फोटो खींच लीजिए सर। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, दूसरे पॉइंट की क्या बात कर रहा हूं, जैसे कि हेटरोट्रॉफी, हेटरोट्रॉफी का मतलब क्या हुआ, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण की डिफिनेशन क्या निकल के आ गई, कि जंतु और गैर हरे पौधे जैसे कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कवक क्या होगा, अपना भोजन क्या स्वयं नहीं बना सकता, कवक हो गया, फंगस हो गया, तो ये अपने भोजन जब स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन बनाते हैं, यानी किसी अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। किसी अन्य पौधों पर जब निर्भर रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, परपोषी नहीं बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे, क्योंकि हम दूसरे पर आश्रित हैं, अपने पर आश्रित नहीं हैं। अब इसमें भी क्या होता है, परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है, कीट पक्षी होता है, और एक और पॉइंट होता है आपका सहजीवी। तो हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि पोषण, पोषण के प्रकार, स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषी के बारे में हमने आपको चार पॉइंट बताया। अब आपका क्या होगा, परपोषी को आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये क्या हो जाएगा।